अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमानत अली वडाच एएम लिंक स्टेट डीएचए फेज 2 व्यूअर्स, 10 मरला हाउस फॉर सेल बहरिया फेज 8 सेक्टर है, जिसकी 5 बेडरूम डिमांड 470। फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सामने इसका आप गेट देख रहे हैं, मेन गेट मेटल का गेट बना हुआ है। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मतलब वेदर शीट इस्तेमाल की गई है। इस साइड पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे खूबसूरत डिज़ाइन मेटल का बना हुआ है वॉल में। यहाँ पे आप मतलब नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, गार्डन तैयार कर सकते हैं। सामने खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन दिया गया है व्यूअर्स। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके हाउस के अंदर। अगर हम मेन डोर की बात करें, मेन गेट की, तो खूबसूरत गेट मेटल का बना हुआ है व्यूअर्स। जो ही हम इंटर होते हैं, कार पोर्च की बात करें तो कार पोर्च जो है यहाँ पे आप आसानी से दो गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो इस साइड पे आपको यहाँ पे जो ग्रास लगाई गई है, आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है। इस साइड पे एक विंडो दे दी गई है और यहाँ पे सामने इसका मेन डोर, और इस साइड पे भी एक विंडो, और यहाँ पे बहरिया के लाज के मुताबिक गैलरी छोड़ी हुई है। तो व्यूअर्स अभी मैं आपको ले चलता हूँ हाउस में। ये सामने आप डोर इसका देख सकते हैं, खूबसूरत सॉलिड डोर बना हुआ है। जो ही हम इंटर होते हैं हाउस में, सामने खूबसूरत व्यू आप देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके ड्राइंग रूम में। तो ये सामने आप देख रहे होंगे इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मैं जो ही इंटर होता हूँ तो सामने आपको यहाँ पे एक वॉल में खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाता है। इस साइड पर अगर मैं आता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो वर्क आप देख रहे हैं, डोर जो इसका बना हुआ है ग्लास और वुड वर्क किया गया है। इस साइड पे इसका सेम उसी तरह दूसरा डोर भी बना हुआ है। ऊपर खूबसूरत सीलिंग दी गई है और एक फैन दिया हुआ है ऊपर का। इस साइड से अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो सामने आपको यहाँ पे इसका जो है ये डोर भी बंद है। यहाँ पे पाउडर रूम दे दिया गया है। इस साइड पे सामने आपको ऊपर शैंडिलियर नज़र आ रहा है, और साथ अगर इस साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। मीडिया वॉल की बात करें तो खूबसूरत मीडिया वॉल बनी हुई है, जिसमें वुड वर्क, टाइल वर्क, ग्लास वर्क दिया गया है। तो सेम ऊपर की खूबसूरत सीलिंग, साइडों पे मतलब दो फैन दिए गए हैं, एक शैंडिलियर दिया गया है। तो साथ ही इसका यहाँ पे अगर हम आते हैं तो सामने आपको इसका किचन मिलता है। किचन की बात करें तो मैं आपको किचन में ले चलता हूँ। सामने सबसे पहले यहाँ पे एक सिंक दिया गया है, सिंक, और इस साइड पे जो आप डोर देख रहे हैं ये बाहर गैलरी की तरफ आप जा सकते हैं। इस साइड पे आपको खूबसूरत मतलब ऊपर और नीचे वाली आप केबन देख रहे हैं, खूबसूरत केबन बनी हुई है और वुड की बनी हुई है। बर्नर हुड यहाँ पे इंस्टॉल है। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो आपको सामने सिंक और विंडो मिल जाती है। तो व्यूअर्स अगर स्पेस की बात करें तो किचन में काफ़ी स्पेस दी गई है। इस साइड पे आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे केबन बनी हुई है, केबनर्स बनी हुई हैं, और साथ यहाँ पे अवन इंस्टॉल है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके बेडरूम। यहाँ पे इसका फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम में जो ही इंटर होते हैं सामने आपको बिग साइज विंडो मिल जाती है। इस साइड पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं और साथ इसका डोर। तो फिर साथ ही हम इसके वॉशरूम में इंटर होते हैं, सामने खूबसूरत मिरर इंस्टॉल किया गया है। इस साइड पे इसका शावर एरिया सेपरेट दिया गया है। खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया, मास्टर की टाइल है, और सामने एक विंडो दे दी गई है। अगर वेंटी की बात करें तो आप देख रहे होंगे आपको खूबसूरत वेंटी मिल जाती है। वेंटी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक वेंटी के साथ ऊपर मिरर इंस्टॉल किया गया है। तो साथ ही आप इसका डोर देख सकते हैं, मतलब डोर की बात करें तो सॉलिड डोर बना हुआ है। साथ नीचे यहाँ पे आपको इसका कमोड मिल जाता है। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो व्यूअर साथ ही इसका यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ऊपर आपको सामने जो डोर नजर आ रहा है इसका सेकंड बेडरूम का डोर है। तो जो ही मैं इंटर होता हूँ सेकंड बेडरूम में तो सामने आपको यहाँ पे एक विंडो इंस्टॉल मिल जाती है। यहाँ पे वॉल पे वुडन पैनल इस्तेमाल किया गया है, फुल हाइटेड ये लगाया गया है, और इस साइड पे फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं। साथ इसके एक आपको डोर नज़र आ रहा होगा, साथ इसका वॉशरूम। वॉशरूम की बात करें तो काफ़ी स्पेस दी हुई है। सामने आपको इसका शावर एरिया इसका सेपरेट कर दिया गया है। नीचे अगर आप
कमोड इंस्टॉल है, खूबसूरत वेंटी, और वेंटी के साथ ऊपर यहाँ पे एक मिरर इंस्टॉल किया गया। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस यहाँ पे ठीक दी गई है। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ अगर यहाँ से साइड से ये डबल यूनिट हाउस है, एक सामने डोर दिया गया है और साथ ही ये इसकी स्टेयर्स, अगर स्टेयर की बात करते हैं तो ग्रेनाइट यूज किया गया और साइड पे मेटल यूज किया गया है। खूबसूरत स्टेप मतलब बने हुए हैं, आसानी से आप ऊपर जा सकते हैं उतर सकते हैं। तो व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर पे जो ही मैं एंटर होता हूँ, सबसे पहले आपको टीवी लॉन्च दिखा देते हैं। सामने खूबसूरत मीडिया वॉल दी गई है, ऊपर खूबसूरत शैंडेलियर और साइडों पे दो फैन दिए गए हैं। इस साइड पे अगर हम आ जाते हैं इसका बेडरूम, बेडरूम में हम इंटर होते हैं, सामने आपको यहाँ पे एक विंडो इंस्टॉल मिलती है और इस साइड पे फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल मिलती हैं। इस साइड पे आपको इसका सामने वॉशरूम, वॉशरूम में मैं जो ही इंटर होता हूँ सामने आपको मिरर इंस्टॉल मिल जाता है, खूबसूरत वेंटी इंस्टॉल की गई है, साथ इस साइड पे इसका शावर एरिया, और शावर एरिया के साथ ही आपको नीचे मतलब यहाँ साथ ही कमोड इंस्टॉल किया गया है। कमोड आप देख सकते हैं, कमोड जो इंस्टॉल किया गया वॉल है, कमोड है। यहाँ से मोबाइल निकलते हैं, सामने टीवी लॉन्च आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इसका फर्स्ट फ्लोर वाला किचन। तो किचन में हम जो ही इंटर होते हैं यहाँ पे चेंजिंग की गई है, नीचे स्पेस ज़्यादा थी यहाँ पे कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि स्पेस फिर भी ठीक दी गई है। सामने इसका आप डोर देख रहे हैं बाहर गैलरी की तरफ, साथ ही आपको नज़र आ रहा है सिंक, सिंक के ऊपर एक विंडो दे दी गई है और बर्नर इंस्टॉल है, हुड इंस्टॉल है, जो केबल बनी हुई है ऊपर और नीचे अच्छी केबल इंस्टॉल की गई है। तो साथ ही यहाँ पे आपको इसके दो जो डोर नज़र आ रहे हैं, ये इसके दो बेडरूम हैं। मैं जो ही इसके बेडरूम में इंटर होता हूँ तो सामने आपको यहाँ पे एक बिग साइज विंडो इंस्टॉल मिल जाती है, जो डबल विंडो है। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो इसकी फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल की गई है, साथ इसका डोर दिया गया। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो साथ ही वॉल पे एक खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग दी गई है। इस साइड पे साथ ही यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे इसका वॉशरूम, वॉशरूम में सामने आपको ऊपर शावर मिल जाता है, साथ ही आपको नीचे इसका कमोड इंस्टॉल है और वेंटी, कमोड और वेंटी आप देख सकते हैं। कमोड और वेंटी के साथ अगर ऊपर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिरर इंस्टॉल मिल जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस साइड पे इसका सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। जो ही हम बेडरूम में इंटर होते हैं सामने बिग साइज विंडो दी गई है, इस साइड पे कबर्ड फुल हाइटेड और इस साइड पे डोर, और सामने इसका वॉशरूम, वॉशरूम में हम इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे सामने मिरर इंस्टॉल है, वेंटी दी गई है, इस साइड पे इसका शावर एरिया। यहाँ पे अगर शावर की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर हम टाइल की बात करते हैं तो फुल हाइटेड मास्टर की टाइल इस्तेमाल की गई है, सामने आपको एक विंडो दे दी गई है, ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन दिया गया है और साथ नीचे आपको यहाँ पे कमोड इंस्टॉल मिल जाता है, इस साइड पे वेंटी मिल जाती है, साथ ही ऊपर एक मिरर मिल जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे जो इसकी मतलब इस साइड पे अगर हम आ जाते हैं छत वाली साइड पे, तो यहाँ पे एक स्टोर दे दिया गया है, ये सामने आप देख सकते हैं स्टोर, और ऊपर इसके एक विंडो दे दी गई है। इस साइड पे सामने आप देख रहे होंगे सामने इसके बाहर का व्यू, अगर यहाँ से ओपन होता है तो मैं आपको डोर इसका सामने आप इसका देख सकते हैं बाहर का व्यू। यहाँ पे बैठ के आप मतलब दो तीन आसानी से चेयर्स लगा सकते हैं, और ये इसका गैलरी का व्यू। तो व्यूअर्स जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हाउस बना हुआ है, 10 मरला में मतलब आपके इतनी पिक्चर मिल गए हैं।